स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी लंदन, डी पेरिस। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत हो गई है। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में ये सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत स्थल। अगला प्रश्न: भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी सेशल्स, डी मॉरिशस। आंसर डी मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। अब दूसरे देश में भी जन औषधि केंद्र से लोग सस्ती दवाएं ले सकते हैं। अगला प्रश्न: रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है? ए ऑपरेशन सुरक्षित बच्चे, बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, सी ऑपरेशन मुस्कान, डी ऑपरेशन स्माइल। आंसर बी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। एक्सप्लेनेशन: रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले 84,119 बच्चों को बचाया है। नन्हे फरिश्ते सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है। यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। वर्ष 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। बचाए गए बच्चों में से भागे हुए बच्चों, लापता पाए गए, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहृत, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेघर बच्चे पाए गए। अगला प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी आइवरी कोस्ट, डी केन्या। आंसर सी आइवरी कोस्ट। एक्सप्लेनेशन: आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ। आइवरी कोस्ट सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए कन्वेंशन में शामिल हुआ है। यह 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन का 53वां पक्ष देश भी बन गया है, जिसे ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन की स्थापना पैन यूरोपीय क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न: भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली, डी एमएस धोनी। आंसर बी शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन: यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय क्रिकेट आइकन शिखर धवन को नियुक्त किया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी तूफानी उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले धवन यूरोस्पोर्ट इंडिया के नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर के माध्यम से रेसिंग के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे। फेस कर रेस कर अभियान मोटो जीपी की अदम्य भावना को समाहित करता है।